Sir, fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 1st अक्टूबर 2019 ट्यूसडे है. सुबह के 8:13 हो रहे हैं. नया मंथ शुरू हो रहा है. पहला ट्रेडिंग सेशन है इस मंथ का. तो मंथली चार्ट से निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे. आज 1st अक्टूबर है तो गवर्नमेंट ने जो काफी सारे चेंजेस लाए हैं, खास करके टैक्स में जो चेंजेस लाए हैं वो आज से लागू होंगे. तो अभी अक्टूबर मंथ से सेकेंड क्वार्टर जो है उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे कंपनीज के. लेकिन जो अभी टैक्स के जो चेंजेस है वो अभी से लागू होंगे. यानी जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, यानी जनवरी 2020 में जब रिजल्ट आएगा कंपनीज का थर्ड क्वार्टर का, तभी ये जो चेंजेस लाए टैक्स के बारे में उसके जो आउटपुट है अभी क्या निकल के आता है वो जनवरी 2020 में हमें पता चलेगा. तो यहाँ से ये टैक्स के जो रिफॉर्म्स है उसका क्या असर गिरता है मार्केट के ऊपर, ये हमें जनवरी 2020 से पता चलने लगेगा. तो अभी फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव होप से मार्केट आगे बढ़ रहा है. हमने देखा एक जबरदस्त 1000 पॉइंट का अपसाइड मूव आया, उसके बाद में 300 पॉइंट का करेक्शन, और कल फिर से मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला. हालांकि जो लास्ट आवर्स के ट्रेडिंग के उसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली. तो अभी नए मंथ में इसका क्या असर होगा, क्या ये मंथ भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर कंसोलिडेशन फेज रहेगा, चार्ट क्या कहता है ये देखेंगे. लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ये पिक्चर है कल का, यानी 30th September आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,571 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,499. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,477 ये भी अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 11,458 ये भी अचीव हुआ. और काफी निफ्टी यहाँ से भी और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ. और जैसे ही इसने रिकवरी दिखाई और ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो ब्रेकडाउन लेवल जो हमारा था एग्जैक्ट उसी के पास इसने रेजिस्टेंस का काम किया, एक रेजिस्टेंस फेस किया और क्लोज भी हुआ. हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसी लेवल के पास ऑलमोस्ट आके ये क्लोज हुआ. तो कल भी काफी एक्यूरेट साबित हुए ये लेवल्स, और कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नाजदैक हरे निशान के साथ बंद हुए, और यूरोपियन मार्केट भी देखे तो वहां पर भी थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को मिला. आज एशियाई मार्केट, चाइना मार्केट बंद है, आज हांगकांग मार्केट भी बंद है. जापानीज इंडेक्स 167 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर देखे तो 90 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 21 पॉइंट के हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से आज के लिए तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. देखते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. फर्स्ट डे है इस मंथ का अक्टूबर का, तो मंथली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है मंथली चार्ट का सिनेरियो. यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख सकते हैं. एक कैंडल एक मंथ का हाई लो ओपन और क्लोज हमें प्रेजेंट कर रहा है. तो ये अभी फिलहाल सितंबर का ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल. इसके पहले अगस्त का ये जो कैंडल था ये भी 20 एएमए को पेनेट्रेट कर रहा था. तो जैसे ये 20 एएमए को ये रिस्पेक्ट करके यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है ये फिर से यहाँ से अपसाइड मूव अपना कंटिन्यू रहेगा. ये हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं. आप देख सकते हैं पास्ट में भी इसने 20 एएमए को रिस्पेक्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया है. ये देखिए यहाँ पर 20 एएमए के पास आता है, इस पिंक लाइन को ये पेनेट्रेट करता है और फिर बाउंस बैक दिखा रहा है. ये देखिए अभी ये थर्ड टाइम है, तो यहाँ से ये बाउंस बैक हो चुका है अभी. लेकिन इसे प्रीवियस जो हाई है, ये जो हाई बनाया था, इसको ब्रेक करना होगा, तो ही यहाँ से अपसाइड रैली हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है. हो सकता है ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर से टूवर्ड्स ऐसे साउथ की तरफ आए, तो ये काफी क्रुशियल होगा. जो प्रीवियस स्विंग है इसे ब्रेक करना होगा. अभी ये सितंबर का कैंडल तो काफी स्ट्रांग यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक बना हुआ है. हालांकि आरएसआई में देखे तो अभी भी यहाँ पर राइजिंग
बॉटम्स अभी तक नहीं बने हैं, जो कि एक अपसाइड ट्रेंड का एक सिग्नल होता है। तो यहाँ पर भी राइजिंग बॉटम्स बनने बहुत जरूरी है आरएसआई में। तो अभी फिलहाल 20 ईएमए को रिस्पेक्ट किया है, यानी कि अपसाइड ये जो स्ट्रक्चर है, ये बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी मंथली चार्ट में बना हुआ है। तो चलते हैं वीकली चार्ट में। मंथली चार्ट का सिनारियो देख लिया हमने। वीकली चार्ट में अगर देखें तो प्रीवियस वीक का कैंडल था, ये एक इनडिसिजिव पैटर्न था, दोजी टाइप जैसा ये था, जहां पर ओपन हुआ था वहां पर ही क्लोज हुआ है आके। अभी यहाँ पर ये जो 11,370 का ये जो लेवल है, ये गैप जो क्रिएट हुआ था इसका ये इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पर 1170 का फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद ये जो 20 ईएमए है ये अराउंड अभी 11,300 के पास है वीकली चार्ट में। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है और ऊपर में जैसे ही 11,543 के ऊपर सस्टेन करता है तो 11,757 के हमें लेवल्स ऊपर रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये है वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट का सिनारियो। डेली चार्ट में अगर देखें तो कल का ये जो कैंडल है ये हैमर कैंडलस्टिक बना है, जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडलस्टिक आता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिले। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर कल हमने अगर लाइन चार्ट की बात करें तो कल हमने यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है ऐसा एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, लेकिन इसने नेक लाइन के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया है। ये जो यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बन सकता है ऐसे, लेकिन इसने नेक लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया है डेली चार्ट में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो स्टीफनेस है फर्स्ट फॉल का और सेकेंड फॉल का, इसमें कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंस है। ये जो एंगल है ये काफ़ी वाइड है कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है बियर्स कोशिश कर रहे हैं निफ्टी को नीचे लाने के लिए, लेकिन बुल्स जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं और फिर से निफ्टी इंडेक्स को ऊपर की तरफ ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये जो वाइड एंगल है, ये एंगल ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर बुल्स काफ़ी हावी हो रहे हैं बियर्स के ऊपर। तो जब तक ये 11,370 को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर बुल्स का एक्टिवेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि निफ्टी यहाँ से और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े। तो 11,730 अगर ब्रेक होता है तो ही हमें यहाँ पर ये 100 ईएमए नीचे 50 और 20 ईएमए के मूविंग एवरेजेस के पास निफ्टी इंडेक्स एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आते हुए दिखाई दे सकता है। उससे पहले 11,370 को ब्रेक करना होगा। अगर ऊपर जाना है तो 11,543 के ऊपर इसे क्लोज देना पड़ेगा और यहाँ से डिसीजिव मूव कोई आती है तो ही हमें निफ्टी इंडेक्स में अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो यह डेली चार्ट का सिनारियो। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी हमने देखा। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल आप देख सकते हैं ये जो फॉल आया था उसके बाद 50 ईएमए का सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक बार ये रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। तो अभी अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर ये 20 ईएमए का ये जो हर्डल है इसके पार इसे जाना होगा। अगर ये इसको कंफर्टेबली ब्रेक करता है 20 ईएमए को तो जहाँ से ये कल ये फॉल शुरू हुआ था तो इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी 11,491 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,512। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, जो कि अराउंड 11,524 के पास है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है इसे ब्रेक होने दीजिए। अगर पिवट पॉइंट के लेवल के नीचे यानी 11,458 के नीचे अगर निफ्टी इंडेक्स चला जाता है कम्फर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,431। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,407। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।